सब्सक्राइब करें लेट्स लर्न को और प्रेस करें इस बेल आइकन को जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। आज से हम स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू सीरीज जो कि होगी फिलॉसफी से रिलेटेड। एजुकेशन एंड फिलॉसफी में क्या रिलेशनशिप है, शिक्षा और दर्शन शास्त्र कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किस तरह से क्वेश्चंस इससे बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी लास्ट टाइम B2+B 2017 में नहीं आया है 16/17 में, लेकिन जनरली KVS हो चाहे D2+B का 2013 का पेपर आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। चाहे वो गांधी से पूछें, चाहे वो कोई आइडियलिज्म मतलब स्कूल ऑफ फिलॉसफी के किसी भी एक पार्ट से पूछ लें। तो कुछ वीडियोस के थ्रू हम जो स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड ह्यूमनिज्म, इन चारों स्कूल्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ थिंकर्स को डिस्कस करेंगे जो कि मोहनदास करमचंद गांधी, फ्रेडरिक फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी, कुछ विवेकानंदा, जिद्दू कृष्णमूर्ति, कुछ कुछ थिंकर्स को डिस्कस करेंगे जो जिन्होंने एजुकेशन पर काफ़ी काम किया, जिनके सिद्धांत पूछे जाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो आती हैं और ज़रूरी हैं जानना एक टीचर के लिए। तो स्टार्ट करेंगे, चैप्टर वन है आइडियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। स्कूल है ये एक फिलॉसफी का, मतलब फिलॉसफी की एक शाखा है, आदर्शवाद बेसिकली कहें तो। तो स्टार्ट करेंगे, देखेंगे इस वीडियो में क्या क्या इसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम। आइडियलिज्म क्या है ये जानेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इसके, एजुकेशन के क्या सिद्धांत हैं, एम्स क्या हैं एजुकेशन के अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, करिकुलम कैसा होना चाहिए, मेथड्स कौन कौन से ये लोग अपनाते हैं, टीचर को कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए आइडियलिज्म फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, और स्कूल कैसा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और आई होप आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता लगेंगी और आपको इंटरेस्ट आएगा वीडियो में। स्टार्ट करते हैं, आइडियलिज्म एक्सपोनेंट्स, प्रवर्तक कौन से लोग हैं जो इन्होंने इसको अपनाया, माना या इसकी शुरुआत की। तो सोक्रेट्स, सुकरात, प्लेटो, रविंद्रनाथ टैगोर, एम के गांधी, स्वामी विवेकानंदा, फ्रॉबेल, स्वामी दयानंद सरस्वती, औरोबिंदो घोष, राधा कृष्णन एंड डेकार्टे, ये वो लोग हैं जिनको हम अधिकतर नाम जिनके हम सुनते रहते हैं, बहुत नोन है हमारे लिए। और क्वेश्चन इस तरह का भी बनता है कि नाम दे देगा इनमें से कोई, लाइक विवेकानंदा का नाम दे दिया, औरोबिंदो घोष का दे दिया, फ्रॉबेल का दे दिया और पूछ लिया, ऑप्शन दे दिया आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, ह्यूमनिज्म, इस तरह के ऑप्शन दे दिए आपको और पूछ लिया कि किससे संबंधित थे। तो आइडियलिज्म से संबंधित थे। तो ये आप बेसिकली ये कुछ चीज़ें अभी आके, जैसे हम कुछ चार चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो आप कोरिलेट कर पाएंगे अपने आप कि कौन लोग, कौन सा थिंकर किस फिलॉसफी को समर्थन देता था और किस बात को मानता था, कौन से मेथड्स को अपनाता था। तो ये कुछ लोग थे जो कि याद रखना इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा नोन नहीं है। वैसे शंकराचार्य को हम जानते हैं और कांत को भी हम जानते हैं, बाकी ये कुछ लोग हैं, देख सकते हैं आप, चाहें तो नोट कर सकते हैं कहीं पर। अब हम देखेंगे आइडियलिज्म क्या है, इसके प्रिंसिपल्स को आप बाद में नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन हम आइडियलिज्म क्या है इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आइडियलिज्म बेसिकली क्या है, आदर्शवाद। इसमें अगर सिर्फ शब्द से समझें तो बिल्कुल एक आदर्श वर्ल्ड है, एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड है जिसमें आइडियलिस्टिक तरीके से आइडियल्स होते हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से काम करती हैं, सब अच्छा होता है। मतलब अब समझते हैं इसकी जो स्टार्टिंग हुई, जो वर्ड है आइडियलिज्म, ये आइडियाइज्म से बना हुआ है, आइडिया और इज्म। तो आइडिया मतलब आइडिया को प्राइम माना जाता है आइडियलिज्म में, कि आइडिया बेस है आपकी नॉलेज का, और आइडियाइज्म इसको कहा जाता था। लेकिन प्रोनंसिएशन की दृष्टि से इसको आसान बनाने के लिए, एक राइमिंग वर्ड देने के लिए, इसका एल का यूज़ किया गया और आइडियलिज्म का नाम रखा गया। प्लेटो इसके पहले एक तरह से समर्थक कह सकते हैं, प्रवर्तक कह सकते हैं, प्लेटो ने इसको एक तरह से स्टार्ट किया। तो ये एक बात है। दूसरा, आइडियलिज्म में क्या होता है, ये लोग मानते हैं, जो लोग इसके समर्थक होते हैं, कि भाई एक वर्ल्ड आपका मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है और दूसरा आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, मतलब आध्यात्मिक वर्ल्ड है एक आपका, एक आपकी जो आपकी दुनिया है मटेरियलिस्टिक वो है ही। तो ये लोग कहते हैं कि भाई आइडियल वर्ल्ड जो है वो आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, इंसान को, इंसान का जो एक मेन एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो, मतलब उसने जन्म लिया फिर उसके बाद वो क्या करे, सारी चीज़ें पहले से इन्वेंटेड हैं, जो स्पिरिचुअलिस्टिक जो चीज़ें हैं, जो मीनिंग है लाइफ का, एक जो मेन चीज़ उसको खोजनी है एक व्यक्ति को, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी इन्वेंटेड हैं, एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में, बस उस व्यक्ति का जो एम है वो उसको डिस्कवर करना है, ट्रुथ को उस तक पहुंचना है, स्पिरिचुअल जर्नी अपनी कंडक्ट करना है, ये सारी चीज़ें आइडियलिज्म मानता है। तो आगे चलेंगे, इसको देखेंगे कुछ कुछ चीज़ों के थ्रू। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इसके यही हैं, मैंने बताया कि स्पिरिचुअलिटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं ये लोग, और जो मेन जो सुप्रीम चीज़ है वो आपकी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं, आध्यात्मिक जो आपकी वैल्यूज़ हैं उन पर ये ध्यान देते हैं। ये कहते हैं प्री डिटरमाइंड है, सब कुछ पहले से निश्चित है, बस आपको डिस्कवर करना है। तो स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट है इनका, मोनिस्टिक अप्रोच होती है। आगे चलेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के क्या सिद्धांत होने चाहिए आइडियलिस्टिक आदर्शवादी फिलॉसफी के हिसाब से।
तो एजुकेशन इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिज्म, ये हम समझ चुके हैं, ये वर्ड हमें याद रखना है। बेसिकली जो आइडियलिज्म है ये सत्यम शिवम सुंदरम पर बेस्ड है, कि मतलब जो एक गुड क्या है, ब्यूटी क्या है, आगे हम देखेंगे। तो स्पिरिचुअलिज्म क्या है, एजुकेशन का बेस होना चाहिए, जो बेस है आपकी शिक्षा का वो आपका अध्यात्म है, तो आप उसकी प्राप्ति के लिए एजुकेशन लेते हैं। इट एम्फेसाइजेज मेंटल कैपेसिटीज़, ये कहता है कि भाई जो दिमागी जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, जो कैपेसिटीज़ हैं, उनको आप बढ़ाओ, उनको एक तरह से इम्प्रूव करो, डेवलप करो। टीचर एंड करिकुलम आर द सेंटर्स ऑफ एजुकेशन, जो टीचर है, जो करिकुलम है, वो सेंटर है एजुकेशन का, जिसके चारों तरफ एजुकेशन घूमती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को फ्रीडम नहीं है, लेकिन टीचर और करिकुलम डिसाइड करते हैं कि किस तरह से उसको कल्टिवेट किया जाएगा। एम्फेसाइजेस बुक लर्निंग, बुक लर्निंग पर ध्यान देते हैं। इन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को भी समर्थन दिया, जैसे कि ह्यूमैनिटीज़ से काफ़ी प्रभावित थे, कि जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं आर्ट्स के, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एक व्यक्ति के लिए, और मैथ्स और साइंस के साथ उनको पढ़ाया जाना चाहिए। और आइडियलिस्टिक फिलासफी बेसिकली ये कहती है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि जो टीचर है आगे पढ़ेंगे, जब टीचर की बात करेंगे अभी इसी के थ्रू इन पॉइंट्स से ही स्टिक करते हैं, क्योंकि फिर हम भटक जाएंगे एक तरह से, बहुत ज़्यादा हम चर्चा में चले जाएंगे डीप, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर वैल्यूड, मतलब जो व्यक्तिगत जो भिन्नता है उनको भी ध्यान में रखा जाए और सोसाइटी को भी वैल्यू दी जाए। इट इज़ अ डेफिनेट एंड स्पेसिफिक आइडियोलॉजी, बिल्कुल निश्चित आइडियोलॉजी है, स्पेसिफिक है। अब एम्स क्या होने चाहिए एजुकेशन के आइडियलिस्टिक फिलासफी में, तो सेल्फ रियलाइजेशन इनका मेन एम है, और एग्जाल्टेशन ऑफ पर्सनैलिटी, मतलब पर्सनैलिटी को निखार के लाना, उसको एक प्योरीफाइड वर्जन में डेवलप करना, और सेल्फ रियलाइजेशन मतलब खुद का जो एक रीज़न है दुनिया में आने का वो जान पाना, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट तो आध्यात्मिक, तो ये बिल्कुल हमें रट लेना है कि आइडियलिज्म मतलब स्पिरिचुअलिज्म। रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ, सच को जानना है, ब्यूटी को जानना है, गुडनेस जो अच्छाई है उसको जानना है, मतलब सत्यम शिवम सुंदरम तीनों चीज़ें हम इसको याद रख सकते हैं। इन्होंने इस पर ध्यान दिया है, एजुकेशन के थ्रू आपको इन चीज़ों तक पहुंचना है। कंजर्वेशन प्रमोशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, मतलब एजुकेशन क्या करेगी, कंजर्व करेगी आपके कल्चर को और ट्रांसमिट करेगी आगे आने वाली जनरेशंस में। आगे चलेंगे, करिकुलम कैसा होना चाहिए आइडियलिस्टिक फिलॉसफी में, तो आइडियलिस्टिक करिकुलम इज डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू आइडियल्स एंड इटर्नल वैल्यूज़, तो जो आइडियल्स हैं, आइडियाज़ हैं, जो आपके एक आदर्श हैं, उनके हिसाब से आपका करिकुलम बनना चाहिए, और जो इटर्नल वैल्यूज़ हैं, जो कभी ना खत्म होने वाली शाश्वत जो वैल्यूज़ हैं, उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। उस तरह का आपका करिकुलम होना चाहिए जिससे जो व्यक्ति है, जो एक डेवलपिंग पर्सनैलिटी है एक बालक की, वो इस तरह की बन पाए कि वो इन सारी चीज़ों को समझ पाए। ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट्स आर एम्फेसाइज्ड, जो ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया भी था, उन पर भी इन्होंने ध्यान दिया। बेसिकली तीन चीज़ों का उन्होंने बात की कि करिकुलम में तीन एक्टिविटीज़ का होना ज़रूरी है, कि जो इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट के लिए आपके बच्चे के, उसको लैंग्वेज पढ़ाओ, उसको लिटरेचर पढ़ाओ, उसको हिस्ट्री पढ़ा दो, ज्योग्राफी पढ़ाओ, मैथमेटिक्स एंड साइंस भी पढ़ाओ, है ना, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन सारे सब्जेक्ट्स के थ्रू होगा इनको पढ़ाओ। फिर एस्थेटिक डेवलपमेंट कैसे होगा, तो एस्थेटिक डेवलपमेंट के लिए आर्ट्स एंड पोइट्री पढ़ाओ उसको। फिर मॉरल डेवलपमेंट, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको भी इनकलकेट करना है, तो उसके लिए आपको रिलीजन एंड एथिक्स की उनको शिक्षा देनी पड़ेगी स्टूडेंट्स को। तो इन तीन चीज़ों पर बेसिकली करिकुलम बेस्ड होता है आइडियलिस्टिक फिलॉसफी में। आगे चलेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग, तो ऐसे कौन से मेथड्स हैं जो हम मेथड्स अभी आने वाले कुछ वीडियोस में पढ़ेंगे, और आपने पढ़े भी होंगे पहले, जो इंडक्टिव मेथड है, डायलॉग मेथड है, क्वेश्चन आंसर मेथड है, बहुत सारे मेथड हैं अलग अलग। तो इन मेथड्स में से कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो आइडियलिस्टिक फिलॉसफी जिनको मानती है, आदर्शवाद जिनको सपोर्ट करता है या इंक्लूड करता है अपनी टीचिंग में। तो आइडियलिस्टिक हैव नॉट अडॉप्टेड एनी स्पेसिफिक, किसी एक स्पेसिफिक मेथड को इन्होंने नहीं अपनाया है, बहुत सारे मेथड्स को इन्होंने अपनाया है जो इन्हें अच्छे लगे। तो आगे चलेंगे हम, और क्रिएटर्स ऑफ मेथड्स एंड नॉट द स्लेव, ये कहते हैं जो आइडियलिस्टिक फिलॉसफर्स हैं कि भाई जो व्यक्ति है वो खुद से क्रिएट करता है मेथड्स को अलग अलग, कोई स्लेव नहीं है। आप किसी मेथड को पकड़ के बैठ जाएं और उसी के हिसाब से चलें, सिर्फ आप अलग अलग मेथड्स को, वेरीड मेथड्स को इंक्लूड कर सकते हैं अपने टीचिंग स्टाइल में। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कुछ मेथड्स हैं जिनको आइडियलिस्टिक फिलॉसफी मानती है। बहुत ज़रूरी है याद रखना कि ये कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको आइडियलिस्टिक फिलॉसफी सपोर्ट करती है। तो क्वेश्चन आंसर मेथड, जो कि अपना सुकरात का था, और सुकरात इसके एक प्रवर्तक भी हैं, तो ये हम इन मेथड्स के थ्रू भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति सपोर्ट करता था। तो क्वेश्चन आंसर मेथड, कंजर्वेशन मेथड, कन्वर्सेशन मेथड, बेसिकली डायलॉग डायलेक्टिक मेथड, लेक्चर मेथड, आर्ग्यूमेंटेशन, इंटरसेक्शन, बुक स्टडी, किंडरगार्टन, जो आपका फ्रॉबेल का है। तो ये सारे कुछ मेथड्स हैं आर्ट जिसको आइडियलिस्टिक फिलॉसफी सपोर्ट करती है। आगे चलेंगे, टीचर कैसा होना चाहिए, एक टीचर को कैसा होना चाहिए आइडियलिस्टिक फिलॉसफी में, आइडियलिज्म में।
तो सुप्रीम एंड इम्पॉर्टेंट प्लेस है, टीचर का एक मेन रोल प्ले करता है, जो एमिनेंट रोल है वो आपके एक अध्यापक का है, किसमें, आइडियलिस्टिक फिलोसफी में। और टीचर को कैसा होना चाहिए, जैसा कि फ्रॉबेल ने कहा, ये फ्रॉबेल की लाइन है, और इसमें कहा जाता है कि भाई टीचर को एक गार्डनर के जैसा होना चाहिए और बच्चे को एक प्लांट की तरह वो माने और कल्टीवेट करे उसको। बेसिकली बात ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई कैबेज है, मतलब कोई गोभी है, तो उसको कोई रोज़ तो आप बना नहीं देंगे एज अ टीचर, मतलब आपको पूरी तरह से उसको चेंज नहीं कर देना है, कुछ और नहीं बनाना है उस बच्चे को, लेकिन जो वो है उसको बेस्ट तरीके से इनकलकेट करना है, अच्छे तरीके से, जो भी एक बेस्ट उसके लिए हो सकता है, एक बेस्ट पर्सनैलिटी उसके स्वयं के साथ, जो जैसा कि वो रियल है उसके साथ आप डेवलप कराएंगे, उसकी जो एबिलिटीज़ हैं उनको एक लेवल तक पहुंचाएंगे जहां तक वो डेवलप कर सकता है। आगे चलेंगे, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। तो आइडियलिज्म एडवोकेट्स डिसिप्लिन एट ऑल कॉस्ट। आइडियलिज्म ये कहता है भाई फ्रीडम दो, सब कुछ दो, लेकिन डिसिप्लिन होना चाहिए आपके एजुकेशन में, और फ्रीडम इज़ टू बी रेस्ट्रिक्टेड बाय आइडियल्स, कि फ्रीडम ठीक है लेकिन उसको रेस्ट्रिक्ट करके रखो, एक आइडियल्स होने चाहिए, उसके हिसाब से आपकी फ्रीडम काम करेगी। ये नहीं है कि आप बिना डायरेक्शन के कुछ भी किए जा रहे हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है। एम्फेसाइजेस इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जो डिसिप्लिन है उसको ये मानते हैं आइडियलिस्ट, लेकिन ये कहते हैं कि भाई इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन हो, सेल्फ डिसिप्लिन आना चाहिए बच्चे में, ऐसा नहीं आप थोप रहे हैं उस पर। तो मतलब टीचर को इस तरह से डिसिप्लिन होना चाहिए कि वो एक आदर्श पर्सनैलिटी दिखाए बच्चों के सामने, इंप्रेशन क्रिएट करे, ताकि वो खुद से डिसिप्लिन सीख पाए अपने आप देख करके। आगे चलेंगे, स्कूल को कैसा होना चाहिए। तो स्कूल इज़ दी ओनली प्लेस फॉर रेगुलर एंड इफेक्टिव एजुकेशन, मतलब आइडियलिस्टिक फिलोसफी इस बात को मानती है कि जो स्कूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लगातार रेगुलर और इफेक्टिव एजुकेशन के लिए, प्रभावी और लगातार चलने वाली एजुकेशन के लिए स्कूल का होना ज़रूरी है। तो स्कूल इज़ एन आइडियल ऑफ प्लीजिंग एंड जॉयफुल एक्टिविटीज़। तो स्कूल क्या होना चाहिए, जॉयफुल एक्टिविटीज़ का एक साधन माध्यम होना चाहिए, जहाँ पर बच्चे खुशी से कुछ सीख पाएँ। आगे चलेंगे, कंक्लूड करेंगे, बिल्कुल यही कुछ बातें थी। तो मॉरल एजुकेशन को इन्होंने सपोर्ट किया, इंटीग्रेटेड करिकुलम इन्हीं ने दिया, और मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स को आप इंटीग्रेट करके पढ़ाओ, एक साथ जोड़ करके पढ़ाओ, और इटर्नल वैल्यूज़ में आप बिलीव करो, इस तरह की शिक्षा दो बच्चों को। और एम्फेसाइज किया इन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन पर, प्रॉपर प्लेस दिया टीचर को, कि ऐसा नहीं है कि आपकी किताबें हैं तो सिर्फ वही काम करेंगी, एक टीचर का होना बहुत ज़रूरी है एक प्रॉपर वे में उनको बच्चों तक पहुंचाने के लिए। और साइकोलॉजिकल टीचिंग मेथड्स का इन्होंने यूज़ किया अलग अलग। तो ये कुछ बातें थी, इन्होंने बेसिकली किस पर ध्यान दिया, स्पिरिचुअलिज्म पर ध्यान दिया, अध्यात्म पर ध्यान दिया, एक आइडियल क्रिएट करने पर, दिमाग की जो एबिलिटीज़ हैं उनको डेवलप करने पर आइडियाज़ के थ्रू, इस पर ध्यान दिया। तीसरा, इन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम का जो एक बेसिक प्रिंसिपल है उसको भी इन्होंने प्रमोट किया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ अलग मिला होगा जानने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई सेकेंडिज्म देखेंगे, ह्यूमनिज्म या नेचुरलिज्म में से कुछ डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो लाइक करके जाइए, नीचे कमेंट कीजिए, कोई भी आपका डाउट है कुछ भी है, और अगर आपको पसंद आई है ज़्यादा वीडियो तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज हिमांशी साइनिंग ऑफ।